वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदे सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेयं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां मृगण्यं सकल गुण निधानं वानरणां धीशं रघुपति प्रिभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल और उपस्थित भक्त और ट्रस्टीज की तरफ से पंडित जी की ओर से आप सभी को जय माता की। एक बार हम जोर के जयकारा लगाएंगे, बोलिए जयकारा माँ शेरा वालिका, बोलो सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री सत्य नारायण भगवान की जय। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पाठ करने आया हूं। Nowadays we all face tough times in our lives. Sometimes we feel like people are gathering against us and sometimes these are difficult and hard to deal with. कई बार हमें बहुत सारे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है ऐसे, और वो कभी बड़ा मुश्किल होता है और अपने लोगों से लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। महाभारत का युद्ध इसका प्रमाण है। तो एक छोटा सा भजन के साथ शुरू करते हैं। कभी भी अपने से लड़ाई हो तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। इसको भजन गा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से घर जो हारा कहां जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से घर जो हारा कहां जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद ना आई, दुख में हरि जी तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी याद ना आई, दुख में हरि जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार।
से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं तो तेरे द्वार, से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आज सुबह गीता के ऊपर टॉक थी, बहुत लोगों ने हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान से मुंबई से डॉक्टर जया राव जी आई थी, तो बहुत अच्छी टॉक थी, बहुत सुंदर, बड़ी सरल। और बहुत दूर दूर से लोग आए थे, लेस्टर से, डालस्टन से, बर्मिंगम से, कोवेंट्री से, रग्बी से, वुल्वरहैम्पटन से, और डल्ली से भी थे कुछ लोग हमारे अपने जो मंदिर के रेगुलर थे ही। तो बहुत अच्छा लगा, जब कुछ लोग होते हैं तो बोलने वाले को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी, तो बहुत अच्छा था। उनका भगवान करे कि जया जी का यहाँ पे जो यात्रा है इंग्लिस्तान की, यूके की, तो वो अच्छे से निकले, और उनकी आज भी और कल भी और आगे कुछ दिनों के प्रोग्राम हैं। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें तो आपके जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसकी आपको समाचार मिलता रहेगा। अभी कृष्णा मंदिर में 10 जून से चिन्मयानंद बापू आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कृष्ण कथा है या राम कथा है, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे कथा है, तो उसका भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से आपको दे सकते हैं। हर महीने की तरह हमारे हिंदू कैलेंडर में बहुत से त्यौहार होते हैं, इस बार मेरे पास लिस्ट ज़्यादा नहीं है। 29 मई को 2023 को अभी गुरुवार को गंगा दशहरा गया, तो आपको सबको बताया था, बहुत लोगों को पहले से ही मालूम होता है, और अगर नहीं मालूम हो तो उसका समाचार मैं समय समय पर भेजता रहता हूँ, उसकी क्या विशेषता है वो भी बताता रहता हूँ। इस बार पंडित जी की तरफ से ये मैसेज गया था, तो आपने ज़रूर उसका लाभ उठाया होगा। 31 मई को 2023 को निर्जला एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी ने मंदिर में हर एकादशी को कथा होती है, और आप लोग जो भी लोग परिक्रमा करने भी आ सके तो आप आए होंगे, तो आपका सभी का आभार, मंदिर इसीलिए होते हैं। 4 जून को अभी कल को संत कबीरदास जी की जयंती है, तो आगे भी हैं कुछ, मैं आगे आके बताऊंगा कौन से थे। अभी शनि जयंती गई है, भगवान शनि न्याय के देवता का जन्मदिन। वट सावित्री व्रत का हमने किया था, उसकी भी पंडित जी ने कथा करी थी, और हमने बड़ का पेड़ मंगवा के उसके आसपास हमने परिक्रमा की थी, जैसे कि सूत का धागा लगा के और 7 बार परिक्रमा करी, तो वो भी पंडित जी ने बड़े ही पूजा करवाई।
आप सबने देखा ही होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपने से सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ी है, तो वो कैसे अपने पति को यमराज के पास से बचा लाती है। इसलिए इनका नाम हिंदू धर्म के अनुसार पांच सतियों में लिया जाता है। हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में पांच सती हुई हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, सुलक्षणा रावण पुत्र मेघनाथ की पत्नी, सावित्री जिन्होंने यमराज से अपने पति को वापस ले लिया, और पांचवी मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी। पता जी अगर ठीक है ना, मैं तो यही है ना कि और सात हैं। अच्छा, अहिल्या, तारा, तो पंडित जी कह रहे हैं उसमें तारक का नाम बताया और अहिल्या जी का नाम बताया। तो आप पंडित जी से आए पूछें, है ना, तो उसके बारे में और जानकारी लें। अभी जैसे गंगा दशहरा बताया, बहुत बड़ा दिन होता है, इंडिया में बड़े उत्सव लगते हैं, बड़ा मेला लगता है। इस दिन माँ गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। हमको यह पता है कि कैसे भगवान राम के पूर्वजों इक्ष्वाकु वंश में एक राजा सगर हुए थे, जिनके की एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, किंतु उन्हें किसी कारणवश एक मुनि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण सभी मारे गए, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अंशुमान, जिससे कि आगे उनका वंश चला। अंशुमान से राजा दिलीप हुए, उनके पुत्र हुए राजा भगीरथ। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो एक ऋषि के श्राप के कारण मारे गए थे, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। तो उसी पीढ़ी में आगे चलकर राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने यह प्रण किया कि वे सगर पुत्रों की मुक्ति के लिए श्री गंगा जी को धरती पर लेके आएंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की, जिससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और जल कल्याण के लिए उन्होंने धरती पर आना स्वीकार किया। किंतु समस्या यह आई कि स्वर्ग लोक से आती गंगा का वेग धरती कैसे सहन कर पाती। इसके लिए राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी ने माँ गंगा का वेग अपने ऊपर सहन करने का वचन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और इस तरह से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, और यह अवतरण जिस दिन हुआ उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बोलिए गंगा माई की जय। इससे अगले ही दिन गायत्री जयंती थी। गायत्री जिनको की वेदों की माता भी कहा जाता है, इन्हीं से चार वेद उत्पन्न हुए, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को ही कहा जाता है। चलिए एक बार श्री गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिसका अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत की ओर प्रेरित करें। इसी दिन एकादशी थी। वैसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस निर्जला एकादशी का अपना ही महत्व है। इस दिन एक तरफ तो लोग निर्जल व्रत रखते हैं, साथ ही इस दिन लोग पानी की छबील वगैरह लगाते हैं, और इसी दिन भारत में लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। मैंने आप सभी को इसका याद भी कराया था, और आशा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की होगी, और इसी दिन विशेष पूजा का प्रावधान भी है। मेरा आपसे एक सविनय आग्रह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि व्रत का मतलब होता है प्रण, यानी कि कोई प्रतिज्ञा, तो इस निर्जला एकादशी को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रण करें कि हम जल को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही दूषित करेंगे, चाहे वो गंगा की या भारत की नदियां हों या यहाँ के समुद्र ही क्यों ना हो। हमारा ध्येय पर्यावरण की रक्षा सदैव होना चाहिए। अभी पर्यावरण डे भी आ रहा है, जो कि मंडे को है, एनवायरमेंट डे ऑन 5th of June। सो प्लीज टेक केयर ऑफ मदर नेचर फॉर आवर सेल्व्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस संसार को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम कैसे हम टोल टैक्स देते हैं, कैसे ये क्लियर एयर जोन है उसके पैसे देते हुए भी दुख लगता है, लेकिन
धरती को बचाना हम सबकी अपनी जिम्मेवारी है। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, तो इसका आदर करें। अनावश्यक की बिजली हीटिंग ना चलाएं, हो सके तो कार शेयर करें। यह मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। यह बीड़ा हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने लगभग 5000 साल पहले उठाया था, हमें चेताया था, सचेत किया था कि वन पहाड़ पेड़ों पशु पक्षियों की रक्षा करें। जानते हैं ये पेड़ हमारे तो मित्र हैं ही, जिस पेड़ की छाया में हम बैठे रहे खेलते रहे, उन्हीं पेड़ों के नीचे हमारे माता पिता, माता पिता के माता पिता और उनके भी पूर्वज वहीं उन्हीं पेड़ों के साय में रहकर पले, हम उन्हें आहत कैसे कर सकते हैं। मैं तो यह भी कह दूंगा कि यह पाप है और प्रकृति का अनादर पितृदोष यानी भ्रम दोष से कम नहीं हो सकता। यह मेरा अपना मानना है, आप इस पर विचार जरूर करें। मुझे मालूम नहीं है कि आपको पता है कि नहीं पता, 5 जून 1882 को मुंबई में फ्लड आए थे, तूफान आया था, उसमें 100,000 लोग मारे गए थे। 5 जून 1882 को 100,000 लोग मारे गए थे मुंबई में तूफान और फ्लड्स में। चलिए अब गंगा जी की एक छोटी सी महिमा। जय श्री गंगे माई, बोलो जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई, बोलो जय श्री गंगे माई, स्वर्ग लोक से माता आई, शिव शंकर की जटा समाई, मेरी शक्ल बनाई, बोलो जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई। श्री जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा प्रकट्य उत्सव पर विशेष, जो कि इस बार 19 और 20 जून को पड़ रहा है, मैं ख्याल पंडित जी आप चेक कर लेंगे, तो उसमें आप पंडित जी से पूछ सकते हैं कभी भी आके। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आज ही के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से स्नान करने के लिए बाहर आते हैं। कल से 15 दिन तक ठाकुर जी के दर्शन बंद रहेंगे एवं रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने फिर से श्री मंदिर से बाहर पधारेंगे। भाव यह है कि ज्वर आने पर, बुखार आने पर ठाकुर जी के दर्शन कल से 15 दिन नहीं हो पाएंगे, जैसा जगन्नाथ जी में होता है, क्योंकि भक्तों के लाडले श्री जगन्नाथ जी कल अपनी मौसी के यहाँ चले जाएंगे। इनकी नित्य सेवा, इनको लाड से श्रृंगार करना, भोग राग सेवा सब होगी तो नित्य की भांति ही, पर पट के भीतर ही भीतर। श्री जगन्नाथ जी अधिक स्नान के कारण हुए ज्वर आने से यानी बुखार आने से भक्तों को दर्शन नहीं दे पाएंगे। रथ यात्रा के दिन लगभग 20 जून आई थिंक को फिर से ठाकुर अपने विरही भक्तों को दर्शन देने पधारेंगे। और मेरा ख्याल है बर्मिंगम की जो रथ यात्रा है वो 9 जुलाई को है, पर प्लीज चेक करें और मेरे से आप बाद में पूछेंगे तो मैं बाद में बता भी पाऊंगा या पंडित जी से पूछें। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो अक्सर ब्रिजवासियों को याद करते थे, ये बात उनकी रानियों ने जान ली थी। उनकी बहुत इच्छा थी यह जानने की कि भगवान ब्रिजवासियों को इतना याद क्यों करते हैं।
क्या रानियों की सेवा में किसी प्रकार की कुछ कमी है? एक दिन सभी ने मिलकर रोहिणी मैया को घेर लिया और कहा कि हमें ब्रिज और ब्रिज की लीलाओं के बारे में सुनाइए। माता ने कहा कि श्री कृष्ण ने मना किया है। रानियों ने कहा कि अभी तो वो यहां नहीं है, फिर भी द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा देती हैं। अगर वे आते दिखेंगे तो वह हमें इशारे से बता देंगे और हम सब कुछ और विषय में बातें करने लग जाएंगी। बहुत अनुनय विनय करने पर माता रोहिणी मान गई। कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया और अब अंदर रोहिणी माता से ब्रिज लीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा जी भी कान लगाकर सुनने लगी और लीला सुनने में ही मस्त हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया बलराम भैया उनके दोनों ओर आकर बैठ गए और वो भी लीला श्रवण का रसावस्तादन कर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री कृष्ण प्रेम में मग्न श्री कृष्ण लीलाओं का रसास्वादन करते थे तो आपने कई बार प्रेम के अष्टक सात्विक विकार प्रकट करने की लीला भी की है। यह बताने के लिए कृष्ण प्रेम की ऊंचाई पर ऐसे विकार भी शरीर में आ सकते हैं जैसे बाहें शरीर के भीतर चली जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं, आंखों में आंसुओं की धाराएं बहती हैं, सारा शरीर पुलकायमान हो जाता है इत्यादि। ऐसी ही लीला भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम व श्री सुभद्रा जी ने भी की थी। आपके दिव्य शरीर में लीलाओं के श्रवण से अद्भुत विकार आने लगे, आपकी आंखें फैल गई, बाहें चरण अंदर चले गए इत्यादि। भगवान की इच्छा से श्री नारद जी उस समय द्वारिका के इस महल में आगे से निकले। उन्होंने भगवान का ऐसा दिव्य रूप देखा, कुछ आगे जाकर सोचा कि यह मैंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य, फिर वापस आए। उधर रोहिणी माता को पता चल गया कि कोई बाहर है, उन्होंने लीला सुनाना बंद कर दिया, भगवान वापस अपने रूप में आ गए। नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो आपका रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले, आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम श्री सुभद्रा जी का वही भावमय रूप ही श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ श्री बलदेव व श्री सुभद्रा जी के रूप में प्रकट है। पुरी धाम में श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है। आपने दारू भ्रम रूप से नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में कृपा पूर्वक आविभूत होकर जगत वासियों पर कृपा की। स्नान यात्रा अर्थात आज ही के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के दिन ही इस धरातल पर प्रकट हुए थे। जय श्री जगन्नाथ प्रभु के। इसके साथ ही अभी पितृ दिवस फादर्स डे भी आने वाला है 18 जून को। वैसे माता पिता का कोई दिन होता तो नहीं है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जीवन के सभी दिन हैं। आप सभी को, हम सभी को इस फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि कहीं लिखा था, पिता मेरे दिल में छिपे दर्द को पहचानते हैं, पिता मेरे दिल में छिपे दर्द को पहचानते हैं, वे मेरे पिता हैं जो मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं। और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, जो कि एक बड़े गर्व की बात है कि भारत ने शुरू किया था ये। और इस बार भी जगह जगह इसके आयोजन है। इंडियन कॉन्सुलेट हर बार इसका आयोजन करता है। मेरा ख्याल है हम तो इस बार अभी तक तो कोई प्लान नहीं है कि करेंगे, लेकिन कॉन्सुलेट का है विक्टोरिया स्क्वायर पे है, आर्य समाज मंदिर में है, तो आप अगर जा सकें तो उसकी सूचना आप मेरे से ले सकते हैं। इन मंथ ऑफ जून देर आर मैनी सिग्निफिकेंट डेट्स विच वी शुड नो, सच एज 3 जून 1918, 3 जून 1918 को हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी उस दिन 1918 में 3 जून को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। 8 जून 1948 को इंडिया स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एयरलाइन एयर इंडिया। 8 जून 1948 को भारत और इंग्लैंड के बीच में पहली यात्रा शुरू हुई थी।
ऑल इंडिया रेडियो भी 8 जून के दिन 1936 में शुरू हुआ था। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून के दिन ही उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज क्राउंड ऑन 6th ऑफ जून 1674, उसी दिन वो राजा बने थे शिवाजी। और 17 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी जी की मदर, उनकी माँ जीजाबाई की मृत्यु हुई थी। मैंने लगा कि ये कुछ जरूरी होती हैं, हमें जरूर पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की ओर। आज हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मेरे को जल्दी जाना है। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सकें। भृगु जी कहते हैं, हे मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। इसका अर्थ जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बुराई या फिर झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की या सच्चाई की ये खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। क्योंकि यहां चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानग्मयं वंदे विष्णु भवभयहरनं सर्वलोकेकनाथं। इसका अर्थ कि हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार हैं, गगन के समान सर्व व्यापक हैं, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले व योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है, लेकिन यह सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता,
या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही श्री राम कृपा है। हमें सत्य या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि श्री नारायण ही शाश्वत हैं, सनातन हैं, सच हैं। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद हैं, यह श्री सत्यनारायण की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु हैं। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है, सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से ही देता है। इसी प्रकार प्रभु दया सभी के ऊपर करते हैं और करुणा, लेकिन करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यह है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती को कहते भी हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरी है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जाग रे, सत्यम शिवम सुंदरम। श्री सत्यनारायण जी की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख,
धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई और उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं कि शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसमें किसी भी दिन का बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करें तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं, करा सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में चले गए। वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती, आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। और ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और
कर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को देके तुम थकते नहीं हो देके तुम थकते नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देवर्षि नारद बोले कि मैं श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आया हूं। दरबार में सत्य स्वामी के दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से प
पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मनी मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया वह सब सुन। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की हर हो तुम, कि नामी
झुलजा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। झुलजा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़वारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन ताने आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मैं एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूंगा। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गए। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे और एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में
अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य माणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्याधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाए के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता के से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आगे की कार्यवाही बताइए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही पुकार की। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं ना हर गिज में दुनिया का इशारा, देखूं ना हर गिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज गवाया। मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बनी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहे राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।
चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तो साधु बोला, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। कणी का अजामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है
और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ गए। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण आरती की ओर बढ़ेंगे। मैं जैसे हर बार कहता हूं, अगर आपने 10 पाउंड का, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जिन्होंने 10 पाउंड का डायरेक्ट डेबिट नहीं शुरू किया तो प्लीज शुरू करें। आपको सबको मालूम है कि कैसे खर्चे बढ़ रहे हैं। मंदिर एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारा मंदिर बहुत बड़ा है, बिल्डिंग भी, इसके खर्चे भी बहुत हैं। तो आप प्लीज अपना डायरेक्ट डेबिट जरूर शुरू करें और उससे मंदिर की सहायता करें। मंदिर की लिफ्ट का काम भी चल रहा है, ये हो जाना चाहिए था लेकिन अभी उन्होंने मिड जून कहा है, तो अगर एंड ऑफ जून भी हो जाता है, उसके लिए हमें 60,000 पाउंड की ज़रूरत थी। लगभग 28,000 पाउंड हमारे पास हो गई हैं तो उसमें भी अभी 32,000 पाउंड की कमी है। तो आप जो भी जिसको जानते हैं, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, जैसे भी कह के वो ज़रूर उसमें अपना सहयोग दें। आपके सहयोग के बिना ये चलना बहुत मुश्किल है। इस मंदिर को 30-32 साल हो गए हैं और ये आप ही के सहयोग से चलता है। ये आप ही का मंदिर है। नाम तो माता का मंदिर है पर ये मंदिर आप ही लोगों के सहयोग से, आप लोगों की प्रेरणा से ही जगह जगह हम बार बारी में हम काम करते रहते हैं। तो ये आप ही की ज़रूरत से ये काम चलेगा। तो आप इसका ध्यान करें और पंडित जी आरती करें।
अब हम आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जन पातक हरना ओम, जय लक्ष्मी रमना रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटाधनी स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन गए, बूढ़ो ब्राह्मण कंचन मल दियो। ओम जय लक्ष्मी नमना, दुर्बल स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, दिन की विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनो पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर लक्ष्मी नमना। भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरेओ स्वामी, चिन्ह चिन्ह रूप धरेओ। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, वन वांछित फल दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चरत प्रसाद सवायो, कदली फल मेव
कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी जय लक्ष्मी रमना श्री सत्य नारायण स्वामी सत्य नारायण स्वामी जन पातक सुनिना ओम जय लक्ष्मी रमना गौरम करुणावतारम संसार सारम तुच्छकेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते श्री नारायणी नमस्तुते तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत् हे मात की जय अम्बे मात की जय कृष्णलाल की जय भगवान की जय मान की जय पति महादेव की जय भगवान की जय भगवान की जय तावाली माता त्वदि सदा ही जय दरबार की जय राधे श्याम हर महादेव पंडित जी एक दीवा जला दें आज वो सुबह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इंडिया में लगभग मेरे ख्याल है 300 के आसपास पहुंच गए हैं 279 थे थोड़ी देर पहले 900 लोग घायल हैं बहुत ही दुखद है और तो उसके लिए पंडित जी प्रार्थना कर दें और ये 300 या 250 ये लोग नहीं होते हैं ये 250 लोगों का परिवार होता है बहुत भीषण था उसमें 3 ट्रेन जो हैं उसमें सम्मिलित हैं 2 मेल ट्रेन एंड 1 पैसेंजर ट्रेन तो बहुत बहुत दुखद है तो उसके लिए पंडित जी हमारे प्रार्थना करेंगे दिया जला के तो भगवान हम सभी एक दूसरे के दुख में सम्मिलित हों ऐसा हमेशा से भाव रहता है हम
इंसान हैं, सर्वे भवंतु सुखिना का हम मंत्र करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हम मंत्र करते हैं, तो उसको जीने का भी समय। सॉरी, ये मेरा ख्याल है झारखंड के पास हुआ है, उड़ीसा में ना, हाँ उड़ीसा में। तीन ट्रेन, एक उतर गई थी अपनी पटरी से, वो दूसरी पटरी पे गिर गई, उसकी बोगियाँ वहाँ से दूसरी आ रही थी। तो यस, ड्रेडफुल ड्रेडफुल। एक पैसेंजर आ रही थी, फिर उसके ऊपर चढ़ गई सारी बोगियाँ, फिर बस अभी भी लोग निकाल रहे हैं उसको, लोगों को बहुत दुखद है। तो भगवान अपनी अपनी प्रार्थनाएं, जहाँ भी आप मंदिर में जिन भी देवों को मानते हैं अपने अपने मंदिरों में घरों में, इनके लिए प्रार्थना करें। चलिए इसी के साथ अब पंडित जी प्रार्थना करते हैं तो हम चलते हैं। जय माता की। हाँ जी बेशक बेशक, उसमें करना है क्या? हाँ कर लेता हूँ। मैं सुबह उठा तो मैं सुबह उठते ही मैं इंडिया की न्यूज़ देखता हूँ, तो वो तभी था न्यूज़ में। उस टाइम 233 लोग थे लगभग, और दोपहर बाद 269 थे कुछ, तो 900 लोग हैं अभी भी, लोग निकले नहीं हैं पूरे उसमें से। बहुत सैड, बहुत सैड, बहुत दुखद है, क्या कर सकते। यही प्रार्थना है कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार जनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और जिस भी प्रकार से हो सके उनको सदगति प्रदान करें। उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हम 2 मिनट का मौन करते हैं, उसके बाद शांति पाठ। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोकधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामः शांतिरेधि। असतो मां सद्गमयः तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मां अमृतं गमयः। ओ